अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है भाइयों बहनों कैसी हो सारे सेहत तबीयत हो पुलिस सबकी ठीक होगी अच्छा मैं आपका अपना भाई अहमद आज हम बात करेंगे दोबारा अपने एजुकेशन सिस्टम पे और आज है इसकी इस सीरीज़ की थर्ड एपिसोड तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपने सब्जेक्ट्स की चॉइसेस पे अब सब्जेक्ट्स की चॉइसेस से क्या मुरादा है मेरा ये स्पेसिफ़िकली हम थोड़े से ऊपर वाले लेवल पे पहले हमने किड्स की बात की बच्चों की फिर हमने मीडियम्स की बात की आज हम बात कर रहे हैं मैट्रिक लेवल के बच्चों की ठीक है अब मैट्रिक लेवल के बच्चों में होता क्या है जब आप बच्चा एट्थ क्लास पास करते हैं ना नाइन्थ में जाने लगता है तो सबसे बड़ी वहाँ पे जो स्ट्रगल होती है वो होती है कि भाई साइंस रखनी है या आर्ट्स रखनी है ठीक है और उसके बाद साइंस में अगर जाते हैं तो कहते हैं कि बायोलॉजी रखनी है या कंप्यूटर साइंस रखनी है ठीक है तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे जो सबसे बड़ा हमारे एजुकेशन सिस्टम का मसला है ना वो ये है कि यहाँ पे बच्चे कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर रहे होते ठीक है ना इस केस में भी इस चॉइस में भी बच्चों की मर्जी कोई शामिल नहीं होती इस केस में होता क्या है कि जो स्कूल्स होते हैं वो एट्थ क्लास में बच्चों के रिजल्ट से ये अंदाजा लगाते हैं कि यार ये बच्चे ने साइंस में जाना है या इस बच्चे ने आर्ट्स में जाना है या इस बच्चे ने बायोलॉजी रखनी है या कंप्यूटर साइंस रखनी है अब इसमें मसला क्या होता है देखो कोई भी फील्ड जो है ना वो बुरी नहीं होती ठीक है ना साइंस बुरी है ना आर्ट्स बुरी है ना कंप्यूटर साइंस बुरी है ना बायोलॉजी बुरी है लेकिन जब बच्चे को आप फोर्स करते हैं ना तो होता ही है कि बच्चा उसमें से ही परफॉर्म नहीं कर पाता ठीक है ना बच्चे को आगे स्कोप का पता है कि आगे क्या होने जा रहा है और आपने उनको कुछ बताया नहीं है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस रखोगे तो आपने आगे फ्यूचर में क्या करना है अगर आप बायोलॉजी रखोगे तो आपने फिर फ्यूचर में क्या करना है अगर आप आर्ट्स रखोगे तो अपने फ्यूचर में क्या करना है तो हमारे यहाँ होता ही है कि जो बच्चा नलायक -like है ना जिसके एट्थ में मार्क्स थोड़े से कम आए हैं या जिस जो बच्चा थोड़ा सा पढ़ाई में कमजोर है या उसके मार्क्स अच्छे नहीं है स्पेसिफिकली मैं ये नहीं कहता कि जो बच्चा जिस बच्चे के मार्क्स कम होते हैं वो बच्चा नलायक होता है वो पढ़ाई में कमजोर होता है ठीक है ये हमारा जो माइंड बना हुआ ये बिल्कुल गलत है मैं इस चीज के हक में तो खैर बिल्कुल भी नहीं हूं लेकिन जब हम हमारे यहां यह होता है कि एट्थ में जिस बच्चे के मार्क्स कम आए तुम यार तुम थोड़े से न लायक हो ना तुम आर्ट्स में चले जाओ तुम आर्ट्स में चले जाओ तो वहां पे सही परफॉर्म करोगे अब बच्चों को ये नहीं पता कि आगे जाके होना क्या है पहली बात तो यह कि सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि यार इस चीज का डिसीजन जो है ना ये एटलीस्ट बच्चे को खुद लेने दो ठीक है बच्चों को तुम एजुकेट करो इस तरह से कि उनको बताओ कि भाई इस फील्ड में ये कुछ होता है कंप्यूटर साइंस की फील्ड अगर आप चूज करते हो तो आपने आगे एफ एस सी में जाके ये पढ़ना है एफ एस सी के बाद आपने ये पढ़ना है और उसके बाद आगे ये अपॉर्चुनिटीज है बायोलॉजी अगर आप रखते हो तो बायोलॉजी के बाद आपने एफ एस सी में ये करना है उसके बाद ये मेडिकल की फील्ड है ये ये प्रोवाइजन कौन है हर चीज के अगर आप आर्ट्स में जाते हो तो फिर आपके पास आगे ये 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 चॉइसेस हैं तो वो बच्चे को खुद चूज करने दो बच्चे का खुद अपना इंटरेस्ट हो जिस चीज में बच्चा उस चीज को चूज करे तो बच्चा कामयाब हो सकता है जरूरी नहीं होता कि जिस बच्चे ने कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी पढ़ी है और आगे जाके वो इंजीनियर या डॉक्टर बने तो ही वो कामयाब है ठीक है इंजीनियर या डॉक्टर बने बगैर भी कामयाबी होती है हमारे पाकिस्तान में बेशुमार लोग हैं जो कि इंजीनियर या डॉक्टर नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जितने भी वकील जज देख लो यार कोई भी इंजीनियर या डॉक्टर नहीं होता ठीक है सबसे जो इम्पॉर्टेंट uh, मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में जो पावरफुल चीज़ है ना वो चीफ जस्टिस होता है और वो ना डॉक्टर है ना इंजीनियर है ना पायलट है ठीक है तो आर्ट्स के बाद आपके पास बेशुमार मौके होते हैं बेशुमार काम करने के सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आप किसी लैंग्वेज में मास्टर कर लेते हो फॉर एग्ज़ाम्पल आप उर्दू में इंग्लिश में अरेबिक में इस्लाम में किसी भी एक सब्जेक्ट में आप मास्टर्स करते हो और आप उसमें एक्सेल करते हो और आप उसमें आगे जाकर रिसर्च करते हो ठीक है इसके अलावा आपके पास एल एल बी का ऑप्शन होता है जो कि सबसे मेरे, मेरे ख्याल से सबसे जो बेहतरीन ऑप्शन है वो एल एल बी का होता है ठीक है ये तब की बात है जब आ, आ, आप आर्ट्स चूज करते हो ठीक है अब क्या होता है आर्ट्स के अलावा अगर हम बात करें साइंसिस में साइंस में हमारे पास दो फील्ड होती हैं नाइन्थ क्लास में आके एक होती है बायोलॉजी की एक होती है कंप्यूटर साइंस की अब बच्चों के दिमाग में एक चीज़ होती है कि हाँ यार हमने डॉक्टर बनना है या हमने इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग के लिए वो बायोलॉजी भी चूज़ कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस भी क्योंकि नाइन्थ क्लास तक मैटर नहीं करता कि आपने क्या पढ़ा हुआ है हाँ एफ में जब जाते हो तो फिर वहां पर यह चीज़ होती है कि यार आपने ना आ, आ, प्री इंजीनियरिंग की थी या प्री मेडिकल किया था अब अगर आपने प्री मेडिकल रख लिया तो मतलब आपने अगर आपने जाके आगे प्री मेडिकल करना है और आपने डॉक्टर बनना है तो ठीक है यार आप पहले से बायोलॉजी पढ़ो आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो क्या होगा कि आपको थोड़ा बहुत उस चीज़ का आइडिया होना शुरू हो जाएगा एफ एस सी में आप जाके अच्छे स्कोर कर सकते हो और अच्छी तरह से समझ सकते हो चीज़ों को स्कोर कहना मैं कहता तो दोबारा एक गलत लफ्ज है क्योंकि किसी की जो है वो जहानत का या उसकी क्वालिटीज़ का अंदाज़ा उसके स्कोर से नहीं लगाया जा सकता लेकिन फिर भी हमारे सिस्टम में जरूरी तो यही है कि अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं एमडी डी में अच्छे नंबर लेते हो एफ एस सी में अच्छे नंबर लेते हो तो फिर आपका दाखिला एम में जा होता है और ये जो चीज़ है ये बच्चों को समझनी चाहिए कि यार अगर आप इतने अच्छे स्कोर्स लोगे तो आप मेडिकल के फील्ड में जा सकते हो अदरवाइज आपके लिए ये चीज़ें मुश्किल होंगी ठीक तो है तो ज़रूरी है बेहतर ये होता है कि अपने दो साल चार साल ज़ाया करने के बजाय पहले से अच्छी फील्ड को चूज़ किया जाए या अगर आप ये फील्ड चूज़ करते हो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस फील्ड के अंदर तो फिर आप अच्छी तरह से मेहनत करो दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है कंप्यूटर साइंसिस का कंप्यूटर साइंसिस के बाद आपके पास आगे दो 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 चॉइसेस होती हैं ठीक है या आप एफ एस सी करके प्री इंजीनियरिंग में रख लो या एफ एस सी आप आई सी एस में कर लो मतलब कंप्यूटर साइंस में आप एफ एस सी कर लो अब इन दोनों का क्या सीन होता है कि आप एफ एस मैट्रिक आपने जिस मर्जी फील्ड में किया बायोलॉजी में किया कंप्यूटर साइंसिस में किया आप एफ एस सी में आके मतलब इंटरमीडिएट में आके कॉलेज में आके आप कोई भी फील्ड चूज कर सकते हो आप मेडिकल में जाना चाहो जा, मेडिकल में जा सकते हो इंजीनियरिंग में जा, आना जाओ आना चाहो जा, इंजीनियरिंग में आ सकते हो कंप्यूटर साइंसिस में आना चाहो कंप्यूटर साइंसिस में आ सकते हो ये मैं आर्ट्स वालों के लिए मैं बाद में बात करता हूँ अच्छा आप अगर इंजीनियरिंग में आते हो मेडिकल की मैंने बात कर ली इंजीनियरिंग में अगर आप आते हो तो आपके पास दो चॉइसेस हैं कंप्यूटर साइंसेस या इंजीनियरिंग प्री इंजीनियरिंग प्री इंजीनियरिंग आपके पास होती है केमिस्ट्री ठीक है और आपके पास है कंप्यूटर साइंसेस अगर आपने आगे केमिकल इंजीनियरिंग वाली साइड पर जाना है केमिकल इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली कह रहा हूँ केमिकल इंजीनियरिंग वाली साइड पर जाना है तो केमिस्ट्री चूज करो ठीक है क्या होता है केमिकल इंजीनियरिंग पहले इस पर रिसर्च करोगे भाई आपने आगे करना क्या है अपने और सबसे पहली बात पेरेंट्स स्कूल्स टीचर्स कॉलेजेस छोड़ दो बच्चों पे प्रेशर करना यार खुदा के वास्ते बच्चों पे प्रेशर करना छोड़ दो यार ये पढ़ो बच्चों को खुद चूज करने दो कि उन्होंने क्या पढ़ना है ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है अब बच्चे ने जब चूज करना तो बच्चे के लिए जरूरी है कि वो रिसर्च करे इस चीज़ पे कि मैंने आगे क्या पढ़ना है और किस चीज़ के क्या फायदे हैं आगे अगर बच्चे को ये नहीं पता कि किस चीज़ के क्या फायदे हैं और मैंने आगे क्या पढ़ना है तो वो सही परफॉर्म नहीं कर पाएगा और वो आगे जाकर कन्फ्यूज होकर अपना कैरियर पे लगाएगा तो बेहतर ये है कि पेरेंट्स उनको इन चीज़ पे हेल्प करे रिसर्च करने में ना कि उन पर अपनी अपनी जो है वो थिंकिंग या अपनी सोच उन पर थोपने की कोशिश करें ठीक है अब अगर बच्चे ने केमिकल फील्ड में नहीं जाना तो केमिस्ट्री रख के अपने मार्क्स और अपना जो पूरा कैरियर है और अपने एक मेंटल डिस्टरबेंस से बचने के लिए मेहरबानी करो कंप्यूटर साइंस रख लो कंप्यूटर साइंसिस केमिस्ट्री के हवाले से बहुत दर्जे आसान है और कंप्यूटर साइंसिस के बाद आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल में भी जा सकते हो सब में जा सकते हो ठीक है हाँ अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो तो फिजिक्स मैथ्स ज़रूरी होती है दोनों के लिए केमिस्ट्री इज़ नॉट नेसेसरी कंप्यूटर साइंसिस के बाद आप काफी सारे फील्ड्स में जा सकते हो सवाई केमिकल इंजीनियरिंग है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए जरूरी है आपकी कंप्यूटर्स केमिस्ट्री uh, ठीक है कंप्यूटर साइंस के बाद आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग है एलेक्ट्रिकल एलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम आई कंप्यूटर साइंसेज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेशुमार किस्म की फील्ड्स आगे आ जाती हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मतलब जितनी भी इंजीनियरिंग है ना केमिकल इंजीनियरिंग के अलावा वो सारी इसमें आ जाती हैं आप इसमें एक ये, ये एक काम कर सकते हो इंजीनियरिंग वाली साइड पे आ सकते हो दूसरा आप एमएस मास्टर्स uh, कर सकते हो मतलब बैचलर्स कर सकते हो किसी सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स में बैचलर्स कर सकते हो फिजिक्स में कर सकते हो कंप्यूटर साइंसिस में कर सकते हो या आ, हाँ बैचलर्स इन्हीं तीनों में कर सकते हो तो कैमिस्ट्री में नहीं कर सकते है। ठीक है इसके बाद जहरी बात है जी आप जिसमें बैचलर करोगे उसी में आगे, आगे आपने रिसर्च करनी है और उसी फील्ड में आपने आगे बढ़ना है ठीक है जो बंदे ये कहते हैं कि भाई हमारे पास बैचलर्स की डिग्री है या हमारे पास मास्टर्स की डिग्री है और हमें कोई जॉब नहीं मिल रही तो भाई मेरे अ, आपने मैं कहता हूं कि आपने या तो अच्छे से काम नहीं किया या आपने अच्छे से सीखा नहीं है ठीक है अगर आपने उस मास्टर्स डिग्री में अच्छे से सीखा हो और आपने अच्छे से इसमें मेहनत की हो तो आपको जॉब क्या मतलब इंसान भूखा नहीं मरता यार एटलीस्ट ठीक है बंदे को एक चीज़ में पैशन होता है तो वहाँ उसमें जाके रिसर्च करता है उसको वहाँ पे आगे जाके बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना जो है वो इंसान के अपने काम होते हैं और उसके लिए आपको जरूरी है कि आपने जिस फील्ड में जा रहे हो उस फील्ड की आपको स्किल्स होनी चाहिए ठीक है तो ये मेरी आज की वीडियो का मकसद है यार कि प्लीज़ जब आप सब्जेक्ट चूज़ करने लगो नाइन्थ क्लास में स्पेसिफिकली तो वहां पे एक तो पेरेंट्स टीचर्स प्लीज डोंट प्रेशराइज योर किड्स ओके जो उनको अच्छा लगता है जो उनकी चॉइस है उनको वो करने दो जो उनको अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता तो आप उनको हेल्प करो उनको बताओ कि यार ये आगे तुम्हारे पास चॉइसेस हैं इनमें से देखो जो तुम्हारे पास जो तुम्हें बेहतर लगती है तुम उस चॉइस पे जाओ हाँ आर्ट्स वालों के लिए अगर आपने आर्ट्स रखी तो आपके पास आगे एक और फील्ड भी होती है अकाउंट्स वाली फील्ड आईकॉम ठीक है आईकॉम में क्या होता है आईकॉम आईकॉम के बाद दुनिया में कहीं भी देख लो किसी भी कंपनी में देख लो यार अकाउंट्स के अलावा अकाउंट्स के बगैर वहां पे कोई डिपार्टमेंट नहीं होता अकाउंट की कोई ऐसी कंपनी नहीं देखोगे जिसमें अकाउंट्स का डिपार्टमेंट नहीं है क्योंकि बात है हर बंदा पैसे के पीछे पड़ा हुआ है तो पैसे का जो लेन देन है पैसे के जो मामलात है सारे उनको डॉक्यूमेंट करना और वो सारा काम जो है पैसे को मैनेज करना जो पेपर वर्क है सारा वो कॉमर्स वाले ही करते हैं तो ये बहुत बड़ी डोमेन है लेकिन इसमें आपके स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं तो आप आई कॉम करने के बाद आगे बी बी एम बी ए कर सकते हो और दूसरा आपके पास ए सी सी ए सी ए वाले भी चॉइसिस होती हैं तो यह जरूरी नहीं है कि आप आर्ट्स के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते एक तो मैंने जो पहले बताया था आपको कि आप मास्टर्स कर सकते हो किसी सब्जेक्ट्स में इस्लामिया अरेबिक उर्दू इंग्लिश कुछ भी ठीक है और दूसरा एल एल बी कर सकते हो आप फिर भी आर्ट्स में जाते हो तब भी आप एल एल बी कर सकते हो आर्ट्स के बाद आपके पास आई कॉम मतलब अकाउंटिंग फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उस फील्ड की तरफ भी जा सकते हो तो आपके पास कोई भी सब्जेक्ट रख लो यार आपके पास बेशुमार मौाक़ होते हैं हर चीज़ के लिए यह कोई ना सोचो कि यार ये बंदा न है तो ये आर्ट्स करेगा यह साइंस नहीं कर सकता गलत बात है ये मत सोचो कि यार ये लायक है तो ये आर्ट्स रखेगा तो ये ख़राब हो जाएगा गलत बात है बंदा काम करने वाला हो किसी भी फील्ड में जाए वो काम कर सकता है सो डेट्स फाइव पॉइंट फॉर टोडे मुझे बताओ कि आप लोगों को इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है और आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट्स में बताओ मुझे और अगर यूट्यूब पे हो तो सब्सक्राइब करो अगर फेसबुक पे हो तो लाइक कर दो ठीक है पेज को लाइक करो फॉलो करो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज